हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले म्यूज़िक की क्लास में मतलब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके हम ऊपर की ओर जाते हैं, और फोर्थ पार्ट में सीखा कि कैसे करके हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके नीचे की ओर आते हैं। तो अब देखना ये है कि इसके बाद कैसे हम इन्हीं चीज़ों को एक साथ बोलेंगे। ओके, अभी तक तो क्या था कि अलग अलग बोलना था, सारे गामा पाधानी सा। फिर अब रिटर्न आना है तो उसको भी आपने अलग से देखा, सानी धापा मागा रेसा, लेकिन एक साथ कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे आज की क्लास में। और एक चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बताना चाहूँगी कि सारे लोग म्यूज़िक की कॉपी ज़रूर बना लें, और जितना मैं जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और वो चीज़ें नोट डाउन करें या ना करें, लेकिन जो सरगम मैं आपको बताती हूँ, जैसे सारे गामा पाधानी सा बताया, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों को नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भी आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस काम को जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें। चलिए देखते हैं कि कैसे हम दोनों को मतलब जब जाते हैं और आते हैं सुरों में कैसे बोलना है उसको देखेंगे। पहले स्लो है ना, सा कभी भी म्यूज़िक की क्लास लेने के लिए आप बैठे हैं या तो सुर लगाने के लिए बैठे, तो ये ध्यान रखें कि जो मैंने पहले बताया था 5 मिनट कम से कम उसको रिपीट करना ही करना है। उसको रिपीट करने से होता ये है, उसका रीज़न ये है कि हमारे गला जो है या हमारा दिमाग इधर उधर भटका हुआ रहता है तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, वो थोड़ा सा हर जगह को छोड़ के और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पे होता है, आ जाता है। तो इसलिए ओम को या तो सा को हमको एक बार पहले 5 मिनट तक रिपीट करना है, फिर इसके बाद आगे बढ़ना है। ओके, तो थोड़ी देर हम सा लगाएंगे, कम से कम 1 मिनट। सा 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 इसके बाद बढ़ते हैं। पहले बिल्कुल स्लो है ना, बिल्कुल अपनी स्पीड को कम करके हम सारे गामा पाधानी सा बोलेंगे, फिर उसको साथ में ही रिटर्न ही भी आना है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ गए छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये नहीं, वो पुरानी मतलब पिछले पार्ट में हमने सीखा था और उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है, करना है। तो अब देखते हैं। सा रे गा
फिर से एक बार, सारे एक बार देखेंगे। आपने अभी देखा कि पहले क्या था कि सारे गामा पादानी सा, फिर हम छोड़ देते थे, लेकिन अभी क्या करना है, एक बार जाना है ना, फिर इसके बाद रिटर्न आना है तुरंत। हमको बहुत स्पेस नहीं देना है या छोड़ना नहीं है, थोड़ा स्पेस चल सकता है। फिर से देखेंगे, सारे अब एक बार तो ये बिल्कुल स्लो हुआ, अब इसे थोड़ा सा फास्ट करके बोलना है, सारे को भी कई बार प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं फिर से कर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना है, सारे गा मा पा धा नी सा। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे, सारे गामा पाधा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो ये 1x1 करके स्पीड हमको बढ़ाना है। अब आपको लगेगा कि इससे होगा क्या, वही तो सारे गामा, लेकिन इससे होगा ये कि हर एक सुर का अपना एक प्लेस है, अपना एक सही स्थान है जो गले में बनाना पड़ता है, और वो बार बार रिपीट करने से ही हमारे गले में वो चीज आएगी। कहते हैं ना कि वो बहुत सुरीला है, वो सुरीला इसी वजह से होता है, हमको इन्हीं चीज़ों का रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर से हम सुनेंगे अब उससे भी थोड़ा सा स्पीड में, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो स्पीड बढ़ती गई और सुर वही रहेंगे, है ना, लेकिन स्पीड थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाना है। तो चले कहाँ से थे हम, बिल्कुल स्लो से, सारे गामा, है ना, और कहाँ पर पहुँचना है, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, लेकिन सुर वही रहेंगे और उसकी जो प्लेस है, उसकी जो जगह है, वो भी वही रहेगी। लेकिन इसको जब तक नहीं आएगा, जब तक रियाज नहीं होगा, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।